हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आसमाज ऑल इन वन चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ यहाँ पे इफ्तारी में आज मैं बनाने वाली हूँ कैरेमल पुडिंग। तो ये पुडिंग मिक्स प्रीमिक्स है, तो उसका कैसे बनाना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये फटाफट से। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बर्तन गर्म के लिए रख दिया है, उसमें हम लोग डाल देंगे आधा लीटर दूध, तो यहाँ पर भी दूध को हमको अच्छे से गर्म करना है। तो इसमें प्रीमिक्स में ऐसा पैकेट मिलता है, उसके साथ में ये एक ऐसा सिरप भी मिलता है। और हम लोग ये जब बनेगा तब एक से केक के टिन में इसमें डाल देंगे। आपके पास केक का टिन नहीं होगा तो ऐसा गोल वाला डब्बा वगैरह होगा तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। दूध को एक बॉल आने के बाद फिर हम लोग उसमें ये प्रीमिक्स मिक्स करेंगे। तब तक हमको दूध को ऐसे हिलाते रहना है। यहाँ पर हमारे दूध को जब तक बॉयल आ रहा है तब तक हम लोग यहाँ पर जो केक का टिन ले लिया है उसमें हम लोग ये सॉस डाल देंगे, एक चॉकलेट सिरप है वो, और चारों बाजू फैला देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे दूध को बॉयल आ चुका है। फिर हम लोग इसमें प्रीमिक्स डालकर 2 से 3 मिनट तक उसको कुक करेंगे। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आप भी घर पे जरूर ट्राई कीजिए। इसको भी 3 मिनट तक हमको चलाना है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ दूध में ये प्रीमिक्स ऐड करेंगे तो हमारा पुडिंग कैरेमल पुडिंग बनकर रेडी होता है और फटाफट से बनता है। और अब हम लोग ये फ्रीज में इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो अभी गैस की फ्लेम हम कर लेंगे बंद। तो यहाँ पर हम लोग अभी स्पैचुला से इसको इस तरह से फैला देंगे चारों ओर। ये सॉस हम लोग ने चारों ओर फैला दी है, फिर जो हम लोग ने जो पुडिंग बनाई थी वो इसमें डाल देंगे और फिर इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद फ्रीज में रख देंगे। फिर मिलते हैं हम इस पुडिंग ठंडा होने के बाद आपसे।